तो किस आधार पे ये आज साझा लगवा रहे हैं हिंदू धर्म में? मेरी भी आज 54 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी देखा नहीं कि मौनी अमावस्या के दिन कोई शादी होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी संकोच से करती है। बुरहानपुर में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन जमकर विवाद का कारण बना हुआ है और इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन आयोजित इस विवाह कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इसी दिन किसी भी तरह से शादी का मुहूर्त नहीं था, उसके बाद भी इस तरह का आयोजन करना हिंदू मान्यताओं पर कुट्राघात है और आने वाले समय में शादीशुदा जोड़े इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। तो ये तो बिल्कुल धर्म के विपरीत है और इतना बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है और उनके सारे जनप्रतिनिधि और पूरा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, तो ये उनका जीवन सुख में गुजरे या दुख में गुजरे ये इनका समझ में नहीं आ रहा है। तो किस आधार पे ये आज साझा लगवा रहे हैं हिंदू धर्म में? मेरी भी आज 54 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी देखा नहीं कि मौनी अमावस्या के दिन कोई शादी होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी संकोच से ये करती है, चुनाव के समय हिंदुत्व की बात करती है मगर हिंदुओं पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। हमारी सरकार भी 15 माह तक चली, कभी हमने ऐसे बुरे वक्त में या कोई गलत मुहूर्त में हमने कोई निकाह या शादी नहीं करी। वहीं इस संबंध में जब भाजपा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह पर प्रश्न उठाना निराधार है। रही बात अमावस्या की, तो उस दिन तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली मनाया जाता है, तो विवाह क्यों नहीं कर सकते? जनपद खटनार के अंतर्गत तुकेश्वर ग्राम में ऐसा आरोप है कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र महाजन जी का कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ में जो है शादी विवाह करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं तो वहाँ के सभी नव दंपतियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और रही बात कि भाई आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन मुहूर्त नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल उनकी जो बात है गलत है, निराधार है, क्योंकि हम लोग दीपावली जैसा महापर्व जो मनाते हैं हिंदू धर्म में वो भी अमावस्या वाले दिन आता है। और जो हमारे रविंद्र महाजन जी है पूर्व विधायक, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अभी नर्मदा जी की परिक्रमा कर आए हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा क्योंकि बहुत सारे आश्रम वो होकर आए हुए हैं। ऐसा कहीं पर भी, क्योंकि शादी जो है वो दो दिलों का मेल है, दो जोड़ों का प्रेम है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी एक यानी संस्कृति में, हिंदू धर्म की संस्कृति में एक मुहूर्त का बहुत एक अपना मान रहता है। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि अमावस्या के दिन किसी प्रकार की शादी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, व्यापारी है, उद्योगपति है, कि जो अमावस्या के दिन ही अपने प्रतिष्ठानों पर पूजा और अर्चना करते हैं। और आपको एक सबसे बड़ी बात तो ये बता दी कि दीपावली जैसा त्यौहार जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है, वो त्यौहार ही हम लोग अमावस्या के दिन मनाते हैं। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की शादी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी बरकरार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नितिन इंगले की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।